नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तराखंड में खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में सक्रिय आंदोलनकारियों की पेंशन में किया इजाफे का फैसला लेते हुए धामी सरकार ने इसे सम्मान बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस फैसले पर सवाल उठा रही है। मसला सम्मान पर सियासत से जुड़ा क्यों? राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम धामी ने ऐलान किया कि अब राज्य में आंदोलनकारियों को पेंशन 3100 रुपए से बढ़ाकर 4500 रुपए कर दी जाएगी, और कांग्रेस ने कहा कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है। तो क्या वाकई इस मामले पर सियासत हो रही है? यह रिपोर्ट देखिए। हमारी सरकार अल्प वेतन भोगियों को वेतन तथा भत्तों में वृद्धि के प्रति संवेदनशील है। हमने अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपया किया है। मेडिकल कॉलेजों में ट्रेनी डॉक्टरों की स्टाइपेंड को 7,500 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए किया है। ग्राम प्रधानों का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 3500 रुपया किया है। साथ ही हमने उपनल कर्मियों, आशा एवं आंगनबाड़ी बहनों, लोक कलाकारों तथा ग्राम प्रहरियों के मानदेय में भी वृद्धि की है। हमारी सरकार कमजोर वर्ग के प्रति अति संवेदनशील है, जिसको ध्यान में रखकर हमने वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन पेंशन की राशि को बढ़ाने का कार्य किया है। सीएम के राज्य आंदोलनकारियों को दिए गए इस सम्मान पर सूबे में सियासत अपने चरम पर है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कटाक्ष किया है। कांग्रेस का तर्क है कि सरकार का ये फैसला चुनावी मौसम में सियासी है, क्योंकि पेंशन पर बढ़ोतरी नाकाफी है। कांग्रेस ने सरकार की सोच पर सवाल उठाया है। विपक्ष ने तर्क दिया है कि 1400 रुपए का इजाफा नाकाफी है। सक्रिय आंदोलनकारियों की पेंशन में इजाफा किया गया है। आपको बता दें कि 3100 रुपए से बढ़ाकर 4500 रुपए किए जाने का ऐलान खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी कटाक्ष किया है और कहा है कि 1400 रुपए की बढ़ोतरी एक मजाक है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की सरकार, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और उनको लगता है कि राज्य जो बना हुआ है, जो हमें मिला है और इन्हें आसानी से मिल गया, उसमें जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों का पेंशन है उसे 1400 रुपए मात्र बढ़ाया जाए, 3100 रुपए से 4500 करा जाए, ये काफ़ी है। बहुत दुख की बात है कि इन्हें लगता है कि 4500 में राज्य आंदोलनकारी जो हैं वो सैटिस्फाइड हो जाएंगे, लेकिन ये भी समझने की ज़रूरत है कि अपनी तनख्वाहों को बढ़ाने वाले और अपने लोगों की का विकास करने वाली सरकार ये कैसे समझ पाएगी कि ये राज्य आज अगर हमें मिला है तो राज्य आंदोलनकारियों की वजह से। अगर उनकी पेंशन को कम से कम 10 से 15 हज़ार कर दी जाती तो हम उनका सम्मान करते, मगर ये सरकार किसी का भी सम्मान करना कहाँ जानती है। देख रहे हैं आप कि किस प्रकार से हड़ताल प्रदेश बना हुआ है। तो राज्य आंदोलनकारी तो वो हैं जिनकी वजह से, जिनके आंदोलन की वजह से हमें राज्य मिला, मगर आंदोलनकारी हैं ना, और आंदोलनकारी इन्हें पसंद नहीं है। ये चाहते हैं कि केवल चरण चाटुकारिता हो, तो मुख्यमंत्री जी में ज़रा भी संवेदनशीलता हो, अपने राज्य के लिए सम्मान हो और राज्य आंदोलनकारियों के लिए सम्मान हो। तो जो उन्होंने अभी वक्तव्य दिया है और 1400 रुपए बढ़ाने की बात हुई है, उसको पीछे लेते हुए कम से कम राज्य आंदोलनकारियों से वार्ता करके एक सम्मानजनक पेंशन उन्हें दी जाएगी, ऐसी उम्मीद करती हूँ मैं। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस के वार पर पलटवार करने में देर नहीं लगा रही। बीजेपी का तर्क है कि आंदोलनकारियों के सम्मान के लिए धामी सरकार ने जो फैसला लिया है वो आवाम के सामने एक नजीर है, मगर कांग्रेस धामी के इस मास्टर स्ट्रोक से हैरान परेशान है। इस सम्मान पर सियासत ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में वृद्धि करने का जो निर्णय लिया गया है वो स्वागत योग्य है, और इससे राज्य आंदोलनकारियों को कुछ और आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, तो वे जो आज सवाल उठा रहे हैं, हमारा उनसे प्रश्न है कि जब वे स्वयं सत्ता में थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया। हरीश रावत जी की सरकार रही तब उन्होंने कुछ नहीं किया। आज श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पेंशन में वृद्धि करके जो कदम उठाया है, बेहतर होता कि कांग्रेस उसका स्वागत करती, लेकिन कांग्रेस ने उसके बारे में नकारात्मक जो बयान दिया है
वो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस की एक संकुचित सोच है उसका ही प्रमाण है। तो हमारा उनसे यही कहना है कि कुछ भी कहने से पहले अपनी सरकार के जो कार्य रहे हैं उन पर एक बार नज़र डाल लिया करें, तभी बयान दें तो बेहतर होगा। तो क्या वाकई में राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर सियासत हो रही है? यकीनन मौसम चुनावी है, ऐसे में सरकार के इस फैसले को लेकर सियासी तूतू मैं होना वाजिब है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, देहरादून।